हर हर महादेव। देखिए, जिला पाली राजस्थान से सूर्य प्रकाश कौशिक जी हैं, इनका प्रश्न है, क्या रात्रि में दाह संस्कार किया जा सकता है या नहीं। एक किसी और का भी प्रश्न है, उन्होंने पूछा हुआ है कि मृत्यु के बाद किस किस को बाल बनवाना चाहिए, किसको नहीं बनवाना चाहिए, कब बनवाना चाहिए, कब नहीं बनवाना चाहिए, कर्ता कब वपन कराए, इससे संबंधित प्रश्न है। इन दोनों का उत्तर आप देखें धर्म सिंधु के आधार पर। ये कह रहे हैं कि पुत्रादि ही कर्ता कर्तांत्यकम अधिकारार्थम कृच्छ्रत्रयादिकम वपनम च कुर्यात्। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कार्य की बात है। और ये जो मैं प्रसंग सुना रहा हूं, प्रायः हर क्षेत्र में जहां तक हमने देखा है उल्टा ही देखा है, ऐसा नहीं होता है और ऐसा होना चाहिए शास्त्र जो कह रहे हैं। इसलिए ध्यान पूर्वक सुने और इसका अनुसरण भी करें। ये हिंदू मात्र के लिए जो धर्म है जो बतलाया जा रहा है, जिसके माता पिता इत्यादि दिवंगत हो गए हैं, उनके ज्येष्ठ आदि पुत्र जो उनका संस्कार करने वाले हैं, तो जो संस्कर्ता है वह संस्कार करने की योग्यता प्राप्ति के लिए कि मैं अपने माता पिता आदि का औषधदायक कृत्य कर सकूं, इसलिए उसको कर्ता आंत्यकम कर्माधिकारार्थम आंतिक कर्म के अधिकार के लिए कृच्छत्रयादिकम तीन कृच्छ प्रायश्चित करे। कृच्छत्रय द्रव्य दानात्मक संकल्पात्मक, ये जो है भविष्य में मैं ऐसा करूंगा, अभी तो आशौच लगा हुआ है, ऐसा जो है अधिकार प्राप्ति के लिए तीन कृच्छ का संकल्प करे। और वपनंच कारये, और संस्कार से पहले ही वपन करा ले, संस्कार करने से पहले ही वपन करवा ले। वे तत्र माता पित्रो हो, कहाँ कहाँ करे ये वपन, तो कह रहे तत्र माता पित्रो हो सापत्न मातुः पितृव्यस्य ज्येष्ठ भ्राता देश च आंत्यक कर्म करणे क्षौरम आवश्यकम। यदि कोई पुत्र अपने माता पिता का, सौतेली माता का, चाचा का, ज्येष्ठ भ्राता का, इनका अंत्य कर्म करने के लिए जा रहा है, इनका संस्कार करना चाहता है, तो क्षौरम अत्यावश्यकम, तो क्षौर कर्म करना अत्यावश्यक है। इनके अलावा धर्म बुद्धि से या किसी अन्य का कर रहा है तो यहां लगता है कि वो भले ही न करे, आगे ये कहेंगे भी, लेकिन माता पिता का, अपने ज्येष्ठों का, चाचा का, या कोई जो है सौतेली माता आदि का संस्कार कर रहा है, तो ये कर्म करना क्षौर कर्म पूर्वक ही करना चाहिए, आवश्यकम परम आवश्यक है। और पुत्राणाम कर्तृभिन्नानाम अपि क्षौरम नित्यम। अब कह रहे हैं किसी के भाई दो तीन पुत्र हैं, चार पांच पुत्र हैं, संस्कार तो ये करेगा, और पुत्र हैं वे जो संस्कार नहीं कर रहे हैं, बोले पुत्राणाम कर्तृभिन्नानाम जो कर्ता से भिन्न पुत्र हैं उनका भी क्षौरम नित्यम, उनका भी क्षौर करना, उनको भी वपन करवाना नित्य है। एवं पत्न्याः अपि प्रथमे दशमेन्ने वा क्षौरम नित्यम। इसी प्रकार पत्नी का भी, किसी का जो है पति मर गया है, पत्नी है, विधवा हो गई है वो, तो उसको भी पहले दिन अथवा दसवें दिन क्षौरम आवश्यकम, प्रथमे दशमेन्ने वा क्षौरम नित्यम, नित्य है करना ही पड़ेगा। विधवा आदि माता को अपने पति के गमन के बाद उसी दिन, पहले दिन दाह से पहले अथवा दसवें दिन, इसी प्रकार ये नियम उनमें भी जुड़ेगा। जो संस्कर्ता के अलावा और पुत्र है वे भी प्रथम दिन अथवा दसवें दिन छौर अवश्य करवाएं, ये है नित्यम। अब कह रहे तथा
दत्तकस्य पूर्वापरयोर मात्रोः पितरोर मृतौ क्षौरम्। इसी प्रकार कोई दत्तक लिया है किसी ने, तो चाहे उसका जो जनक पिता है या जो है दत्तक उसका पिता है जिसने ले लिया है, उन दोनों ही माता पिता के मरने के बाद उस दत्तक लिए गए या दत्तक दिए गए माता पिता के मरने के बाद उस पुत्र को अवश्य ही छौर करवाना चाहिए। अब देखिए रात्रि की बात कही थी, अब यदि कहीं ये संस्कार रात्रि में हो रहा हो तो रात्रौ तु, रात्रि में ये संस्कार हो रहा है तो रात्रि में संस्कार हो सकता है क्या? यहां विचार करें, आगे लिखेंगे कि रात्रि के प्रथम प्रहर तक ये क्रिया हो सकती है सामान्य रूप से, और फिर निशीत काल में ये वर्जित है। रात्रि के दो प्रहर हैं तो निशीत काल में ये न करे, रुक करके फिर अगले दिन ही ये कृत्य करना चाहिए, पर प्रथम प्रहर तक ये कृत्य हो सकता है। तो अगर रात्रि में कोई दाह संस्कार कर रहा है तो छौर कर्म करवाए, क्योंकि रात्रि में छौर कर्म का निषेध है। तो रात्रौतु दग्ध्वा पिंडांतम कृत्वा बपन वर्जितम, अगर कोई संस्कार रात्रि में कर रहा है तो उनकी किसी की मृत्यु यदि संध्या काल इत्यादि में होती है तो लोगों को लगता है कि अब तो ये जल्दी कर दे, कर देना भी चाहिए, तो बपन फिर नहीं करवाए। प्रथम प्रहर रात्रि के प्रथम प्रहर में यदि दाह कर रहा है, रात्रि में कर रहा है, तो फिर बपन नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। माता पिता के संस्कार में भी पुत्रों को उस समय पर नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं कि रात्रौ तु दग्ध्वा पिंडांतम कृत्वा बपन वर्जितम, बपनम वर्जितम रात्रौ श्वस्तनी बपन क्रिया, और दूसरे दिन रात्रि छूटने के बाद दूसरे दिन ये बपन करवा लेना चाहिए, दूसरे दिन छौर कर्म करना चाहिए। जिसने संस्कार कर दिया, बपन जो है पिंडान छह पिंडदान हो गए, उसके बाद दूसरे दिन वो जो है संस्कर्ता छौर कर्म कराए, और फिर दसवें दिन तो सबको ही कराना है, दस दिन बाद आशौच निवृत्ति के बाद, तो वो तो सबको ही कराना है, तो फिर वो संस्कर्ता को भी फिर द्वारा कराना होता है। अब आगे कह रहे हैं कि पत्नी पुत्र कनिष्ठ भ्रात्रा देह रंत्य कर्मणि छौरम न कार्य, किसी को अपनी पत्नी का ही संस्कार करना पड़ जाए, पुत्र आदि भी जन्म नहीं लिए हैं, वैसे तो मुख्य स्त्री का संस्कार करने का अधिकारी ज्येष्ठ पुत्र ही है, ज्येष्ठ पुत्र को ही अपने माता पिता का अधिकार है संस्कार करने में, चाहे पिता हो, पिता रहते ही यदि उसकी माता सौभाग्यवती अवस्था में ही दिवंगत हुई है तो उसका भी संस्कार ज्येष्ठ पुत्र को ही करना चाहिए। लेकिन पुत्र आदि नहीं है, अभी हुए नहीं या असमर्थ हैं, बहुत छोटे हैं, तब कोई महिला दिवंगत हो जाती है तो फिर पति को ही संस्कार करना चाहिए। तो ऐसे पत्नी के संस्कार किए जाने में पति के लिए, और देखिए ध्यान दीजिए, पत्नी पुत्र और किसी को अपने पुत्र का ही संस्कार करना पड़ जाए, तब कनिष्ठ भ्रात्रा देह और छोटे भाई का ही यदि किसी को संस्कार करना पड़ जाए, तब अंत्यकर्मण छौरम न कार्यम, तो इस अंत्यकर्म में अंत्यकर्म करने से पहले फिर छौर कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनुभाविनाम वापये, अनुभाव माने बाद में होने वाले का ही बपन करना चाहिए, ऐसा पार्श्वगृही सूत्र का सूत्र है। अन्यत्र कृताकृतम, और इसके अलावा कहीं भी किसी का भी यदि कोई संस्कार कर रहा है इनके अलावा, तो छौर कर्म वो करे अथवा न करे, लेकिन परिवार जनों को दसवें दिन तो सभी को ही छौर करवाना चाहिए। तो ये इसमें सिद्ध हुआ, तो इसमें निश्चित हो गया कि दाह संस्कार रात्रि के प्रथम प्रहर में भी हो सकता है, निषिद्ध काल में वर्जित किया गया है, अत्यावश्यकता में फिर वहां भी कहा गया है कि अत्यावश्यकता हो तो फिर ऐसे निषिद्ध काल में भी कर दे वे, ये है ये शवदाह का निर्णय तथा छौर निर्णय के बारे में धर्म सिंधु में बतलाया गया है। हर हर महादेव।